हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल में। और आज से स्टार्ट होने वाला है पॉलिटी का लेक्चर, जो कि मैं लेने वाला हूं। मैं आपके सामने मौजूद हूं, जो कि आज से पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे और भी जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं UPSC, BPSC और भी जनरली हमारे स्टेट PSC के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए हम पॉलिटी का क्लास लेने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी का क्लास लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्लास के द्वारा हम ये जानेंगे कि हमारे पढ़ाने का दृष्टिकोण तरीका कैसा होगा, आप वो जानेंगे। अगर वो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आज कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली जितने भी क्लासेस आप देखते होंगे, पॉलिटी का क्लासेस देखते होंगे, आपको क्लासेस वहाँ से लिया जाता है 1600 के द्वारा, जहाँ से हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर करती है। लेकिन वो जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लेने से पहले हम आज ये जानेंगे कि आखिर संविधान और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश है, इसके बारे में जानेंगे। और हमें कौन से टॉपिक पे जोर देना है, क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक दिक्कत होती है, एक डाउट होता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है कि पॉलिटी पढ़ना है। तो अगर जितने भी स्टूडेंट अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या अनदर कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अगर उससे पॉलिटी पूछा जा रहा है, तो पॉलिटी पूछा जा रहा है तो जिसमें दोनों का महत्व होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एंड पॉलिटी का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो पॉलिटी का भी हमारा कोई महत्व नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम जिक्र करते हैं और जानते हैं कि हम आज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी 4-5 क्लास ऐसे होंगे जिसमें आपको हम बेसिक पॉलिटी बताऊंगा कि आखिर पढ़ने का तरीका क्या होता है और पॉलिटी को समझना कैसे है। तब जाकर के हम 1600 हम पे चल के आएंगे, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास एक डिफिनीशन होना चाहिए कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान की बात कर लेते हैं, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर के हम चलेंगे। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, आपको पता है कि हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लिखित तौर पर यानी रिटेन में, जिसको 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा बनाया गया था, पूरी तरीका से बनकर तैयार हो गया था, ये हमें पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, एक जिस तरीका से आपके अगर मान ली कि आप जिस तरीका से आप किस दुकान में काम करते हैं या कोई भी आप कोचिंग में काम करते कोचिंग में आप पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं और रूल रेगुलेशंस से कुछ बुक्स रखे रहते हैं या फिर एक कहीं लिखा हुआ रहता है। कहीं होटल में जाएंगे तो उनके रूल रेगुलेशन लिखे होते हैं, तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी तरीका से हमारे अगर देश को चलाने के लिए अगर नियम और कानून और यहाँ पे परंपरा यानी लॉ रूल्स और ट्रेडिशन को कलेक्शन किया जाता है, जहाँ पे लॉ रूल्स एंड ट्रेडिशन का कलेक्शन मिलता हो, अगर हमें देश को अपने देश को चलाना है तो हमारे देश को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे कुछ यहाँ पे हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे कुछ ट्रेडिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब जिस किताब में इन तीनों का और भी चीज़ों का जहाँ पे कलेक्शन हो, संकलन हो, तो वो हमारा संविधान कहलाता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसी बॉडीज होती है, एक ऐसी हमारा पुस्तक होती है, एक ऐसा रूल का कलेक्शन होता है, जहां पर लॉ रूल्स और ट्रेडिशन का भरपूर कलेक्शन मिलता हो, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर डिफिनीशन शब्दों में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज रूल्स ट्रेडिशन एक्सेट्रा etc, और भी कोई चीज इसमें जो हमारा कलेक्शन जो होता है उनका। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज रूल्स ट्रेडिशन हु रन एनी
कंट्री और स्टेट, यानी रन, या हम बात कर सकते हैं रन करा सकता है या उस पर शासन करने के बाद। शासन का मतलब यहां पे गलत वर्ड हम नहीं लेंगे, शासन का मतलब होता है किसी देश को चलाना, गवर्नेंस करना। यानी एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसा कलेक्शन जहां पर लॉ, रूल्स और ट्रेडिशन का संकलन हो, वो कलेक्शन वाली चीज को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। हम भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें क्या लिखा होता है, लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं और ट्रेडिशंस की भरपूर मात्रा में कलेक्शन होता है जिसके कारण उस देश को चलाया जाता है। आखिर ये लॉ, रूल्स और ट्रेडिशन क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि हमें रन करना है या किसी भी देश को या किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को चलाना हो। हम स्टेट इसलिए लिखे हैं कि स्टेट के भी कुछ हम बताएंगे आगे आपको जाकर के, स्टेट किसे कहते हैं, कंट्री किसे कहते हैं। तो हमारा संविधान क्या है, संकलन है। किसका संकलन है? लॉ यानी हमारे बहुत सारे नियम का, रूल्स यानी बहुत सारे कानूनों का, ट्रेडिशन यानी बहुत सारी परंपराओं का, जहां पे संकलन प्राप्त होता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी है जहां पे लॉ, रूल्स और ट्रेडिशन मिलते हैं आपको। दुनिया का कोई भी देश पे अगर कोई गवर्नेंस करता है, कोई शासन करता है, तो उसी के अनुरूप करता है जैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो। तो सभी देश के पास हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अभी फिलहाल भी, तो उसी तरीका से हम बात कर लेते हैं कि ये हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट डिफिनेशन मैं एक बहुत सिंपल तरीका से देने की बात कर रहा हूं जो आपके दिमाग तक, समझ तक पहुंच जाए। देखिए ये एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि आपको एक समझ में आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में फर्क क्या है। अब बात यहां कॉन्स्टिट्यूशन जब इसे कहते हैं, ये कलेक्शन है रूल्स, लॉ एंड ट्रेडिशन का, तो पॉलिटी क्या है, तो पॉलिटी क्या होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये कलेक्शन मिलता है लॉ, रूल्स, ट्रेडिशन को, जब इसे हमारे लिए प्रैक्टिस में लाया जाता है, पुट इन प्रैक्टिस यानी इसे प्रैक्टिस में लाया जाता है, तो वो चीज हमारा पॉलिटी यानी राज व्यवस्था कहलाती है। यानी हम बात कर सकते हैं कि राज व्यवस्था क्या है, तो हम बात करते हैं राज व्यवस्था, व्यवस्था जिसको हम कहते हैं हम पॉलिटी। तो पॉलिटी सिंपल शब्दों में ये हो सकता है कि पॉलिटी क्या है, एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जो कि ये हमें, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ चीज है उसको हमारे लिए प्रैक्टिस में लाता है, यानी पुट इन प्रैक्टिस सिस्टम। अब आपके माइंड में आएगा कि ये पुट इन प्रैक्टिस सिस्टम है क्या, हमें ये तो पता ही नहीं है पुट इन प्रैक्टिस सिस्टम क्या होता है। चलिए इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप लोगों ने इसका, देखिए एक बात बताऊं कि अगर ये क्लास अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हैं तो लिखना आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो मैं यहाँ PDF ला करके भी आपको ये सब कॉपी पेस्ट रहता और आपको पढ़ा देता वैसे देख करके पढ़ाने के लिए, जैसे बहुत सारे वीडियोज में आप देखते भी होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे वैसा लेकर के नहीं आया। मैं इसलिए लेकर के आया हूँ इस तरीका कि आप साथ साथ में लिखते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, इसीलिए मैं एक ऐसा लेकर के आया हूँ। अगर बाद में अगर रिकॉर्डेड अगर इसको आप देखते हो तो आप इसे पॉज करके भी लिख लीजिएगा, या फिर आपको अगर समझना हो, रिवीजन करना है, तो आप स्पीड बढ़ा करके रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको साथ साथ में लिखना आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा पेज खर्च करेंगे, उतना ही आपको पेज पे साइन करने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो आप, इसलिए मैं ऐसा लेकर कि आप भी साथ साथ में लिखें। तो अब हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की बात ही नहीं, साथ साथ में लिखिए, स्क्रीनशॉट लेने की बात नहीं, आगे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं कि मैंने पॉलिटी बताया कि पॉलिटी जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है उसको हमारे लिए प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है? एग्जांपल में हम बात करते हैं आर्टिकल 17 का। आप लोग जानते हैं एग्जांपल में आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? अनटचेबिलिटी के बारे में किया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया, अनटचेबिलिटी के बारे में, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता, इसको हिंदी में अस्पृश्यता कहते हैं, यानी छुआछूत के बारे में बताया गया। तो उसमें क्या लिखा गया अनटचेबिलिटी के बारे में? बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी विल बी पनिशेबल ऑफेंस, यानी अगर कोई करता है, अनटचेबिलिटी विल बी
ऑफेंस, ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। यानी कह रहा है क्या कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता विधि के अनुसार कानूनी विधि के अनुसार हमारा दंडनीय अपराध है। हमारा आर्टिकल 17 में लिखा है कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, यानी पनिशेबल ऑफेंस है। यानी इसका मतलब होता है दंडनीय अपराध। ये मैं लिख देता हूं, ये दंडनीय अपराध होता है, दंडनीय अपराध। अब आपके माइंड में आएगा, चलिए ये हमारे संविधान में लिखा हुआ, ये जो आप आर्टिकल 17 में देख रहे हैं इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है, ये पॉलिटी नहीं है, ये संविधान है। तो पॉलिटी क्या है? अब आप बताइए कि क्या हमारे संविधान में लिख देने से क्या ये देश में छुआछूत बंद हो जाएगा, अनटचेबिलिटी होना बंद हो जाएगा? नहीं, इसे सभी लोगों पे लागू करवाना पड़ेगा। यानी इन पे पुट इन प्रैक्टिस, सभी को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और जो इसे प्रैक्टिस में लाया जाता है उसी को कहते हैं राज व्यवस्था। तो सबसे पहले प्रैक्टिस में कैसे लाया जाएगा, ये ध्यान में रखिए कि पहले ही अगर किसी को पहली बार कोई सुने अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता सुने तो पहले यही क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। यानी पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी, पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, अस्पृश्यता है क्या। तो ये तो हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल संविधान में नहीं लिखा हुआ है। और ये हमारा पॉलिटी एक्सप्लेन करता है, यानी हमारा ये पॉलिटी यानी राज व्यवस्था होते वही एक्सप्लेन करता है कि अनटचेबिलिटी क्या है। हमें संविधान में सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि ये पनिशेबल ऑफेंस। क्या छुआछूत क्या होता है, क्या किसी के ऊंच नीच के कारण छुआछूत, या मंदिर में जाने के लिए छुआछूत, किस बात के लिए आप छुआछूत की बात करें, यहां तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी कुछ बॉडीज होती हैं जो इसको एक्सप्लेन करती है, इसको हमारे लिए प्रैक्टिस में लाती है, और जो हमारे लिए प्रैक्टिस में लाते हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। और इस प्रावधान को, इस प्रोसेस को हम पॉलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर अनटचेबिलिटी है क्या, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी भी समझ गए, लेकिन ये दंडनीय अपराध है एक विधि के साथ, और कौन से विधि के साथ, कौन से हमारा, मान लीजिए कि किसके अगेंस्ट रूल, क्या हम करेंगे ऐसा, कौन सा अगेंस्ट रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसा क्या कर लेंगे कि हमें ये क्या होगा, कि हमें क्या मिलेगा, पनिशेबल ऑफेंस मिलेगा। पनिशेबल ऑफेंस का मतलब हमें दंड क्या मिल सकता है, दंड यानी हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट क्या मिल सकते हैं, पनिशमेंट क्या होगा। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ लिखा गया कि अब पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन क्या अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशेबल ऑफेंस क्या मिल सकता है, या कोई उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा, या फिर उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी, या फिर उसे कोड़े मारे जाएंगे, क्या ऐसा किया जाएगा, ये तो हमारे संविधान में नहीं लिखा है। तो संविधान में सिर्फ हमें नियम कानून और ट्रेडिशन का संकलन मिलता है, कलेक्शन मिलता है, लेकिन पॉलिटी जो है वही कलेक्शन को, वही कलेक्शन जो दिया गया रूल्स लॉ और ट्रेडिशन उसके हमारे लिए प्रैक्टिस में लेकर के आता है, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। तो पॉलिटी, अब इसको एक्सप्लेन क्या कैसे किया गया, इसके लिए हमारे बॉडीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो हमारे लिए क्या काम करती है, हमारे नियम कानून के लिए हमारे क्या काम करती है, एक्ट बनाती है। तो पार्लियामेंट ने इसको हम पे लागू करने के लिए, हमें प्रैक्टिस में लाने के लिए पार्लियामेंट ने इस पर एक्ट बनाया, जिसको हम एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको अभी हम सिविल राइट एक्ट भी कहते हैं। तो हमें इस पे एक्ट बनाया गया, 1955 में पहला एक्ट बना, जिसका नाम आप लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इस पे हम आगे चलते हैं, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट इतना तो लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या बना, किसने, पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी हुई बात है हम पे लागू करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या काम किया, एक अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट लाया, इसको बोलते हैं हमारा अस्पृश्यता निवारक
निवारक अधिनियम लेकर के आए, ठीक है, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब लेकर के आए, 1955 में, और 1955 में ये लिख दिया गया कि अनटचेबिलिटी है क्या, अनटचेबिलिटी करने से कौन सी विधि को तोड़ने से उन्हें दंड मिलेगा, कौन सा दंड मिलेगा, ये सब इस एक्ट में डाल दिया गया, और यही इस एक्ट में डालना ही हमारे लिए पॉलिटी कहलाएगा। तो सिर्फ आप आर्टिकल रट लेने से आप कोई भी सिविल सर्वेंट या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते जब तक का आपको पॉलिटी के बारे में नहीं जानकारी होगा। और ये पॉलिटी जो कनेक्टेड होता है जनरली हमारे करंट अफेयर से भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर इसका कोर पॉइंट है, क्योंकि करंट अफेयर अगर जानेंगे तब हम पॉलिटी को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी अच्छी ऐसे बुक्स हैं जो कि एक जानते होंगे जो भी कम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और जो हमारे पॉलिटी के लिए बुक पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं या राजेश मिश्रा सर की जो बुक पढ़ते हैं वो काफ़ी फेमस बुक है। तो उस बुक में आप लोग देखते होंगे कि उस बहुत अच्छी तरीका से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पॉलिटी को अंकित किया गया है, उसी तरीका से आप एनसीईआरटी में देखते हो उस तरीका से अंकित किया गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है आपको पूरी तरीका से जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस पे हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसको बाद में हमारा कुछ सालों बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसको कहा गया सिविल राइट एक्ट कह दिया गया, सिविल राइट एक्ट सर 1978 में इसको चेंज किया गया था, जिसको नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम ये लेकर के आया, इसी को यही चीज का इसका नाम बदल दिया गया 1978 में, 44th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था उसमें इसको हमारा बदल दिया गया था उसमें, तो ये चीज बदल दिया गया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी हमने देखा और इसी को, इस चीज को निवारक अधिनियम लेकर के आया और इसी को हम क्या बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन था और ये था पॉलिटी, इसको हम पॉलिटी कहते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात है और उसको हमारे लिए प्रैक्टिस में लाने के लिए सिर्फ क्या पार्लियामेंट ही जिम्मेदार है, यानी पार्लियामेंट ही हमारे लिए पॉलिटी, यानी पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ लेंगे हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, आखिर अब जानना पड़ेगा कि हमें पुट इन द प्रैक्टिस में लाने के लिए कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है जो कि हमें लिए पॉलिटी का, पॉलिटी देती ही, कहने का मतलब है कि हमारे लिए प्रैक्टिस में लाती है, हमारे लिए लागू करती है। सिर्फ पार्लियामेंट की ही जिम्मेदारी है? नहीं, और भी हमारे बॉडीज की जिम्मेदारी है। जैसे कि हम बात कर लेते कौन कौन सी बॉडीज की जिम्मेदारी है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है जो कि हमारे लिए प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो हमें क्या करती है, पुट इन प्रैक्टिस में लाती है, पुट इन टू प्रैक्टिस में लेकर के आती है। प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं, इसको हमारे लिए पॉलिटी हमारे लिए दर्शाती है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन? पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग बिल्कुल जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संविधान के चीजों पे हम पे लागू किस तरीका से कर सकती है, वो एक्ट लाकर। अगर पार्लियामेंट से हमें पॉलिटी की जानकारी लेना, पॉलिटी हमारे पे हम पे लागू हो रहा है, इनेक्ट हो रहा है, तो किस माध्यम से होगा, यानी पार्लियामेंट हमारे लिए क्या लेकर के आएगी, एक्ट लेकर के आएगी, बिल लेकर के आती है। बिल जब पास हो जाता है, प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है। जैसे वो एक्ट हो जाता है, अब हम जान जाते हैं कि उस संविधान में ये चीज लिखा हुआ था और इसको कैसे कैसे हमें पालन करना है, पालन करने के लिए कौन कौन से इसमें दिया गया है, कौन कौन से स्टेप दिए गए, उस स्टेप को कैसे फॉलो करना है, ये सब हमारा एक्ट में दिया रहता है, ये पार्लियामेंट लेके आती है। तो मैंने बताया कि इसको ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्लियामेंट है जो कि हमें पॉलिटी में एक्सप्लेन करती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद कौन सी दूसरी संस्था है, तो दूसरी संस्था का नाम है, जिसका नाम है जुडिशरी। जैसे कि एक्ट कौन लाया, एक एक्ट का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उसने एक्ट कौन लाया, पार्लियामेंट में अनटचेबिलिटी एक्ट जैसे कि लेकर आया। या हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में भी आया था, या सिटीजनशिप एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट जो है, सिटीजनशिप एक्ट, ये एक्ट कब आया था, 1955 में आया था, इसी में बदलाव किया गया 2019 में। ये एक्ट कौन लेकर के, हमें नागरिक के बारे में, नागरिक कौन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर के आई, जिसके कारण हमें पता चला कि आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 का क्या महत्व है।
उसी तरीका से हमारे पास आज जुडिशरी दूसरा ऐसी बॉडीज है जो कि हमारे लिए संविधान के चीजों को हमारे लिए प्रैक्टिस में लेके आती है, जिसका नाम है जुडिशरी। और जुडिशरी जो है जिसको बोलते हैं न्यायपालिका, और न्यायपालिका क्या ले क्या ऐसा करेगी जो हमें संविधान की बातें हम पर लागू हो सकती है, वो क्या करती है, वो डिसीजन देती है, यानी वो रिजल्ट देती है, यानी वो हमारे क्या करती है, जो हमारे जुडिशरी डिसीजन देती है, डिसीजन की बात करती है, वो जैसा डिसीजन दे वो अपना निर्णय देगी, अगर निर्णय देगी तभी हम पे वो लागू होता है। जैसे कि एक निर्णय उन्होंने 2017 की बात है मैं बोल रहा हूँ, तो उसने उन्होंने इंटरनेट का अधिकार दिया था, राइट टू इंटरनेट, डिसीजन उनका था राइट टू इंटरनेट का, कि आपके पास भी अधिकार है राइट टू इंटरनेट का, इंटरनेट का आर्टिकल 19 में हमें राइट टू इंटरनेट की बात कही गई। ये किसने बताया, ये कोई पार्लियामेंट ने एक्ट ला करके बताया, नहीं, ये जुडिशरी ने डिसीजन देके बताया कि हमें इंटरनेट चलाने का भी हमारा फंडामेंटल राइट से हमें अधिकार है। उसी तरीका से हमारा राइट टू प्रेस की भी है, राइट टू प्रेस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, कहाँ, आर्टिकल 19A की बात है, उसमें दिया गया राइट टू प्रेस की ही बात है, यानी हमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी ये भी स्वतंत्रता हमें किसने दिया, जुडिशरी ने दिया। राइट टू सीट की बात करते हैं, हमें बैठने का अधिकार अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में मिला था राइट टू सीट का अधिकार, ये कौन दिया, जुडिशरी ने अपने निर्णय के द्वारा दिया, और ये भी हमारा एक पॉलिटी है। फिर दूसरा में एक और संस्था होती है जो कि हमारे लाती है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बॉडी जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो भी हमारे लिए क्या काम करती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये भी हमारे लिए क्या काम करती है, हम पे ये लागू करवाती है। और ये कैसी संस्था होती है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज के द्वारा होती है। अब ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है उसको समझाने के लिए हमें पहले हमारे भारत में कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट मान्यता दे चुकी है, गवर्नमेंट मान्यता दे चुकी है, ऐसे 3 हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उस इसको समझने के लिए हम उसको समझ लेते हैं तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन हमारे पास कितने हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन हमारे कौन कौन है देख लेते, थोड़ा नीचे से दिखाएगा, इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं संस्थान, हमारे पास कितनी ऐसी संस्थाएं, हमारे पास संस्थाएं देखिए जनरली तौर पे हमारा 3 तरह की संस्थाएं होती हैं, किसी भी देश में जनरली 3 तरह की संस्थाएं होती है, और हम अपने भारत देश की भी बात करें तो यहां पे 3 तरह की संस्थाएं आपने देखने को मिलेगी। कौन कौन सी संस्थाएं उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली संस्था कौन सी है, पहली संस्था को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसको हम बोलते हैं कौन सी संस्था, इसको हम संस्था कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कौन सी संस्था होगी, इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक संस्था, कौन सी संस्था, संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, ठीक है। दूसरी जो होती है जिसको बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसको बोलते हैं असंवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, दानिक संस्था, ठीक है। और तीसरी जो होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमें लास्ट पेज में हमने बताया था कि ये हमें हमारे लिए प्रैक्टिस में लेके आती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में बताया, तो उसी तरीका से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम लोग देखेंगे इसका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं गैर संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था। और आपसे पूछेगा कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है, उसके बारे में बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, और एक गैर संवैधानिक संस्था, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात किया जाए, ये क्या होता है। तो पहले हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बहुत ही सिंपल है, यानी भारत की एक ऐसी संस्था है, भारत के एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका जिक्र हमारे भारत के संविधान में किया गया है,
जिसका इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से भारत के संविधान में किया गया है, जिसको पूरी तरीके से डिटरमाइन पूरी तरीके से डिफिनेशन के तौर पे दिया गया है कि हमारा कौन कौन सी संवैधानिक संस्था है, यानी वैसी संस्था जिसका इंट्रोडक्शन कहाँ पे दिया हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में किया गया। अपने देश का जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश में अपने देश की संविधान में लिखा होगा, हमारे देश के जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका पूरी तरीके से लिखा हुआ संविधान में हो, जिसे इसका क्या होगा, इसका इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल भी होगा। जैसे कि फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की जाती है। तो हम एक जैसे कि एग्जांपल में हम लेके चल लेते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ तक लिखे होंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हम बात कर लेते हैं जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया गया, जैसे हम एग्जाम्पल में लेके चला जाए, एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा, तो पहला तौर पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल कितना में लिखा गया, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गया है। इसके लिए यानी जो हमारे फाइनेंस कमीशन को क्या कहता है, वित्तीय संस्था, जो हमारे वित्तीय आयोग है, वित्त आयोग है, जो उसके वित्त आयोग का जिक्र हमारा कहाँ पे कहेगा, आर्टिकल 280 में। ये हमारे संविधान में इसका जिक्र कर दिया गया, तो इससे जो इंस्टीट्यूशन, इस जो इंस्टीट्यूशन को कहेंगे संवैधानिक संस्था। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जीएसटी काउंसिल को भी जोड़ा गया था, तो जीएसटी काउंसिल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल कितना, आर्टिकल 279A में लिखा गया, आर्टिकल 279 में जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है ये भी। तो ये भी हमारी कैसी संस्था है, ये भी हमारा संवैधानिक संस्था है, ठीक है। दूसरे बात में अगर हम बात किया जाए कौन से आर्टिकल की, जैसे कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आती है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र हमारे कहाँ पे किया गया है, तो हम बात कर लेते हैं कमीशन में हमारे कौन होगा, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, इसमें इसका जिक्र किया गया है। तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वैसी संस्था जिसका पूरी तरीके का जिक्र हमारे संविधान में किया गया, उस संस्था को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या इसके जो एक्ट होंगे, इससे इसने जो भी हमारे लिए निकाल के आएंगे वो हमारे सब पॉलिटी कहलाएगा, इसके बारे में अध्ययन करना हमें पॉलिटी कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कैग के बारे में, कैग भी आप जानते होंगे जिसको हम बोलते हैं कैग के बारे में, तो कैग भी हमारा क्या है, एक आर्टिकल साथ 148 है, इसमें आप देखेंगे कैक भी, ये भी हमारा कैसी संस्था है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बहुत सारे जैसे कि आप लोग देखते होंगे, एक और भी संस्था है, जैसे हम वो बात कर लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब, ये सब जो भी संस्था है, बैकवर्ड्स क्लास, ये भी संस्था है, जो भी है हमारा सभी के सब संवैधानिक संस्था है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, 338 में है, नहीं 330, हाँ शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं 338 में है, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं 338A में है, और बैकवर्ड क्लास की बात कर लेते हैं तो बैकवर्ड क्लास हमारा कहा 338B में। इसमें हमारा ये सब की ऐसी संस्थाएं जो कि हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, कैग, ये सब के बारे में हमारा कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में दिया हो और ये संविधान में लिखा गया हो, वैसी संस्था को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहेंगे। अब आते हैं हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे, एक ऐसी संस्था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करे पूरी तरीका से, हमारा क्या करे, एबॉलिस्ट करे, वायोलेट करे, यानी पूरी तरीका से उल्लंघन करे, जो संविधान का उल्लंघन करती है, वैसी संस्था जो संविधान का उल्लंघन करती है उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अब कहेंगे अरे यार ऐसी कौन सी संस्था है जो कि हमारे संविधान का उल्लंघन करती है, ऐसी संस्था को तो जेल हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाते हैं, जैसे कि हम नक्सलवादी संस्था, आतंकवादी संस्था, ये सब संस्था जो है संविधान का उल्लंघन करती है पूरी तरीका से, हमारे क्या करती है, हमारा ये हमारे क्या करती है, वायोलेट करती है। तो जो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पूरी तरीका से उल्लंघन करती है उस संस्था को हम क्या कहेंगे, हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको हम बात करते हैं सीधा हम आतंकवादी संस्था, आतंकवादी
संस्था, या फिर हम बात कर लेते हैं नक्सलवाद, नक्सलवाद, नक्सलवाद संस्था, ये सब संस्था जो संविधान का उल्लंघन करती है, ये भी इसके बारे में भी हमें जानकारियां रखनी चाहिए कि ऐसे क्या क्या इनके कारनामे होते हैं जिसके कारण हमारे संविधान पे आंच पड़ रही है और इसे हमें कैसे हमें दूर करना जाना है, ये भी हमारा एक पॉलिटी है। तो ये सब संस्था जो थे, और ये अब देखिए असंवैधानिक लिखा हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। ये भी सुनने में लग रहा था ये भी संविधान का उल्लंघन करते हैं, नहीं, एक तो संविधान में इसका जिक्र है और ये संविधान का सपोर्ट करके उसके अनुरूप हमारे लिए कानून और रूल लॉ का निर्माण करती है, तो ये जो संस्था है जो ये हमारे जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया, जो संविधान का उल्लंघन करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया। लेकिन एक ऐसी संस्था जिसका संविधान में बिल्कुल जिक्र नहीं है लेकिन तब भी हमारे हर काम को करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करती है, ऐसी संस्था जिसका संविधान में जिक्र नहीं है लेकिन हमें हर रूल लॉ इसको इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें हेल्प करती है, तो वैसी संस्था को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि मैंने यहां पर दिया था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये भी हमारे लिए पुट इन प्रैक्टिस में लाती है सभी हमारे लॉ रूल्स एंड लॉ को। तो हम बात कर लेते हैं इसमें हमारी कौन सी है जो कि हमारी गैर संवैधानिक संस्था है, इसका क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, इसका इट इज नॉट डिटरमाइंड इन, इसको लिख सकते हैं, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, इट इज नॉट डिटरमाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट its help help is helped help implementation our constitution। कहने का मतलब है कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं है लेकिन तब भी हमें रूल लॉ को हमें इंप्लीमेंट करने में मदद करती है, वैसी संस्था को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। ऐसी संस्थाएं हमारे भी दो टाइप की होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो टाइप की होती है, वो दो टाइप की कौन कौन होती है, यहाँ पे मैं इसको छोटा करके बताया था, ये दो टाइप की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारे दो टाइप की कौन कौन सी होती है, इसको और ऊपर ले जाता हूँ, जैसे मैं ये दो टाइप की होगी, ठीक है, एक वैसी संस्था जिसका संविधान में जिक्र नहीं हो लेकिन इसे हमारे प्रेसिडेंट ने कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे बनाया, कैबिनेट ने कहा कि ये संस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये संस्था बनेगा तो हमारे हमारे देशवासियों को, हमें संविधान को इन पे इम्प्लीमेंट करने में मदद मिल सकती है, तो कैबिनेट सुझाव देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप ऐसी एक संस्था बनाएं, ठीक है, यानी ये किसके द्वारा बना होगा, ये प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या होगा, द प्रेसिडेंट इज फॉर्म ऐसी संस्था, द प्रेसिडेंट इज फॉर्म्ड, ये प्रेसिडेंट इसको फॉर्म्ड करते हैं, क्या होता है, बाय एडवाइज्ड बाय हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया और कहा कि ऐसी एक संस्था बननी चाहिए, ऑर्डिनेंस पास करके ये दिया गया, तो ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो तरीका से बन सकता है, एक प्रेसिडेंट को सलाह दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं परिषद, विधान की परिषद जो होती है उसके द्वारा दिया गया, माफ कीजिएगा, विधान मंडल जिसको हम बोल सकते हैं, या उनके द्वारा हमें प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, एक रिकमेंडेशन दिया जाता है कि ऐसा आप एक संस्था बनाए, तो उसकी बॉडी को, जैसे इसका एग्जांपल में आपको बहुत ही बड़ा एग्जांपल जिसको देखने को मिलेगा, जैसे एग्जांपल में इसका है, हम बोलते हैं नीति आयोग, नीति आयोग का आप नाम सुने होंगे, ये नीति आयोग हमारा इस तरह की बॉडीज है, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ऐसा क्वेश्चन हमारा यूपीएससी बीपीएससी ये सब डालते रहते हैं कि कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ऐसी संस्था जो कि हमारा लॉ के द्वारा बनी है इन पार्लियामेंट. किसके द्वारा बनी है? लॉ के द्वारा. बाय क्या होगा ये? बाय पासिंग लॉ इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में. तो इस ऐसी संस्था जिसको स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से, स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं, तो ऐसी संस्था जो होती है, जो संविधिक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडीज के नाम से जानते हैं, वैसी संस्था जो कि लॉ पास करके पार्लियामेंट में, लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया और वहाँ से प्रेसिडेंट का साइन हुआ, तो इस तरीका की जो हमारी बॉडीज बन के तैयार होती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी या हम इसको संविधिक संस्था के नाम से जानते हैं. और वो संस्था, ये हमारा ये संस्था जो एग्जीक्यूटिव संस्था होती है, इसको बोलते हैं कार्यकारिणी संस्था. इसको हम लिख सकते हैं ये एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन होता है बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं कार्यकारिणी संस्था. कार्यकारिणी संस्था, ठीक है. और इस बॉडीज को हम क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडीज, जिसको हम बोलते हैं संविधिक संस्था, विधिक संस्था. अच्छा, और ये संस्था का एग्जांपल मैं आप बात करें NHRC एग्जांपल, इसका एग्जांपल नीति आयोग देखे, इसका एग्जांपल में आप देख सकते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसको हमारे सभी पार्लियामेंट के लोगों ने मिलकर के बनाने की संस्था की निर्माण किया था उसको. और ये सिर्फ हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा या कैबिनेट मिनिस्टर की मदद के द्वारा प्रेसिडेंट ने इसको बनाया है. वैसी संस्था को हम कार्यकारिणी संस्था, एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहते हैं. लेकिन जो पार्लियामेंट में लॉ पास करके बनाया गया वैसी संस्था को हमारा हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं. और ये दोनों संस्था जो होती है हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हिस्सा होता है. तो आज काफ़ी लंबा क्लास हो गया होगा, लेकिन चलिए हम आज मैं आपको ये बताया कि कौन कौन से पॉलिटी में किस तरीका से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ को लेना. तो आज हम लोगों ने जाना कि पॉलिटी क्या होता है और साथ में हम लोगों ने जाना कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. अब हम बात कर लेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, हर देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसकी विशेषता है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप की है, इसके बारे में जानेंगे. और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, जहाँ पे अभी काफ़ी टाइम है उसमें, लेकिन हम पहले बेसिक जान लेंगे. ये बेसिक अगर आपको समझ में आएगा तो आज इस वीडियो को आप एक बार फिर से जा करके देख लेंगे तो इसके कारण समझ में आ गया होगा. और अपने साथ साथ में इसको लाइक भी कर ले और शेयर भी कर ले, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ अब पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होगा ग्राउंड लेवल से, पूरी तरीके ग्रास रूट लेवल से, जहाँ की आपको एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगा. और एक बात याद रखिएगा, आप इसके साथ साथ में आप लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो और भी अच्छे से तैयारी होगी, ठीक है. तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियोस भी देखते रहे. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय.